हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, आपको तीन पॉइंट दे रखे हैं, 2 -2, -2 1 एंड 5 2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु बिंदु के पास में इंटीग्रल बचे, तीन बिंदु देख लेना, 2 -2, -2 1 और 5 2, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखो, पहले कॉमन सेंस समझो कि समकोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ये इसका कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनियस है, और ये इसका अपन बेस मान लेंगे, ठीक है, बेस का मतलब आधार है, और ये इसका परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ये तीन चीज़ें होती है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, अगर हो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इन तीन बिंदुओं को एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ग्राफिकली शो करते हैं, उसके बाद उसका अपन चेक करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन लेंगे लेट ए जो 2 -2, बी -2 1 एंड सी 5, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ये अपन को मान के चलना है, माना ए 2, -2, बी -2, 1 और ये फिर तथा सी 5, 2 त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये अपन को लिख देना है सबसे पहले, ठीक है। अब इसको करते हैं शो। अगर अपन शो करें इसको, तो ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई। हाईएस्ट वैल्यू चेक करो, हाईएस्ट वैल्यू तीनों में 5, इसका मतलब अपन 5 नंबरिंग लिख देंगे 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। इधर माइनस में होता है तो -5 तक ले लेंगे, इधर भी माइनस में होता है तो इधर भी -5 में ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसको शो करते हैं, जैसे ए है 2 -2, इसका मतलब ये एक्स और ये वाई, ये मैं को पहले बता चुका। तो एक्स दो लो, प्लस का 2 ये रहा और -2 वाई का, इसका मतलब ये नीचे ये रहा माइनस, इसकी दोनों की सीध में ये आ जाएगा, ठीक है। फिर बी है -2 x का, ये रहा -2 और y का है 1 प्लस का, तो ये y का 1 इसके सीध में आ जाएगा, ठीक है, 1 की 2 की सीध में आ जाएगा। फिर है c, x का 5 प्लस का, ये रहा 5 और y का 2 प्लस का इनके ऊपर, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो इसको अपन अगर मिलाएं तो एक ऐसा एक ट्राइंगल बन जाता है बच्चे, ठीक है। तो ये अपना a था ना, a हो गया अपना 2, -2 और b है -2, 1 और C है 5, 2। ये तीनों, ये एक ट्राइंगल बन गया, ए बी सी नाम का ट्राइंगल बन गया। अब हमें चेक करना है कोई दो साइड का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो अब अपन चेक करें अगर इसको, सबसे पहले एक साइड ले, सपोज ए बी साइड ले लेते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी साइड ली अपन ने। तो देखो करना क्या है, हमें ए से बी के बीच की दूरी निकालनी, डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र, ठीक है, बहुत सिंपल है। जिसको रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आप आगे पीछे कैसे कर सकते हो, x1 - x2 का स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y1 - y2 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए बी निकालने के लिए, ठीक है। अगर ए बी निकालेंगे अपन अगर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और बी के हैं -2, 1, इसका मतलब ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र है क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा था, वैसे आपको सोल्यूशन में यह चीज़ लिखनी है। तो x2 कितना है, x2 है -2 माइनस x1 कितना है 2 उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है, y1 खुद माइनस का, इसलिए अपन को फिर से एक ब्रैकेट लगाना है, ध्यान से समझना है ना, ये यहाँ प्लस माइनस का बड़ा इशू रहता है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको।
माइनस टू माइनस टू, ये हो गया माइनस फोर का स्क्वायर प्लस ये वन, ध्यान से समझो ये वन, ये माइनस हो गया प्लस, फिर हो गया प्लस का टू, बाहर जो स्क्वायर था वो एज इट इज है। तो फिर देखो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस फोर का मतलब होता है प्लस का सोलह, समझ पा रहे हो, प्लस का सिक्सटीन हो गया, प्लस ये वन और टू टू थ्री, थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, ठीक है। तो ये हो गया अपना 25, और 25 आप जानते हो रूट हट जाएगा 5। तो ए बी की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई 5। ऐसे अपन साइड निकालते हैं बी सी, ये रहा बी सी। तो अगर अपन साइड बी सी की बात करें, साइड बी सी यानी कि भुजा बी सी, इसको लिख देना बच्चे साइड ए बी, यानी कि साइड ए बी का मतलब भुजा ए बी हिंदी वाले, ठीक है। चलो इसमें अगर अपन बात करें बी सी के लिए, तो इसके अंदर एक्स वन एक्स टू क्या है, इसके लिए एक्स वन है, एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं अपन, बी के तो कोऑर्डिनेट है माइनस टू कोमा वन, सी के कोऑर्डिनेट है फाइव कोमा टू, यानी कि ये तो है आपका एक्स वन, ये आपका एक्स टू, ये आपका वाई वन, ये आपका वाई टू। ये आप ऐसे एरो बनाने की बजाय ऐसा लिख देना एग्जाम के अंदर, एक्स वन बराबर माइनस टू, ऐसा शो जरूर करके आना है, ठीक है। फिर सेम थ्योरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार, फिर दूरी सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना, x2 है अपना 5, माइनस x1 कितना, अब देखो माइनस का फिर से 2 है तो फिर एक छोटा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। प्लस y2 कितना 2, माइनस वाई वन कितना 1 का स्क्वायर, यानी कि ये 5, और ये पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 का स्क्वायर, 2 में से 1 चला गया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो 5 और 2 7 हो गया, 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, एज इट इज लिख देते हैं अपन एक बार, है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो रूट के अंदर 50, 50 आ गया, बस 50 को खोलो मत, एज इट इज रहने दो, यहीं पर अपन आगे देखेंगे। चलो बी सी की साइड कितनी आ गई, रूट 50। अब तीसरी साइड बचती है ए बी बी सी, सी ए, सी ए बोल दो चाहे ए सी बोल दो। तो अब अपन निकालते हैं साइड ए सी, भुजा ए सी, ए सी कोऑर्डिनेट अपन अगर लिखें तो ए के कोऑर्डिनेट तो हैं 2 माइनस 2 और सी के हैं 5 कॉमा 2, ये एक्स वन, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना x1 बराबर 2 कोमा x2 बराबर माइनस 2, ठीक है, और y1 बराबर 5, y2 बराबर 2, ये चार कोऑर्डिनेट फिर लिख देना अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र के अनुसार, ठीक है। फिर लगाना दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 कितना, x2 है माइनस का 2, तो माइनस 2 माइनस x1 कितना, वह 2 का स्क्वायर, y2 है 2 माइनस y1 है 5 का स्क्वायर, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 में से 5 गया लेकिन माइनस का 3 बच गया का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर होता है प्लस का 16 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, ये समझते हैं, दो बार खोलना है उसको। तो ये हो गया 25, 25 का मतलब 5। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तीनों साइडें हमारे पास आ चुकी, अब हमें चेक करना है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल, राइट एंगल है या नहीं। तो किन्हीं दो साइड का सम, ठीक है, किन्हीं दो साइड का सम लेते हैं अगर अपन, तो लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी वाले बच ले दिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चेक करते हैं। देखो कुछ कॉमन सेंस अप्लाई कर दो कि ये 5 है और ये 5 है और तीसरी साइड कौन सी है, रूट 50। तो अगर अपन बात करें ये साइड कौन सी है, ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ये साइड ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर ये साइड कौन सी है, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये अपन को अभी नहीं पता कि कौन सा हाइपोटेनस है कौन सा बेस है, ये अपन को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जब अगर ये रूल फॉलो हो गया तो फिर कन्फर्म हो जाएगा कि बी सी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। अब समझना इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे लिखना इन ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, ये हिंदी वाले बच्चे लिख देना, ठीक है।
फिर ये लिखना। अब ए बी कितना है, ए बी है अपने पास बचे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर रूट बी सी, बी सी कितना है सॉरी बी सी का स्क्वायर कितना है रूट 50, रूट 50 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25 और रूट 50 का स्क्वायर, आप अच्छे जानते हैं स्क्वायर जब करते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है या फिर रूट 50 रूट 50 ओनली 50, ये तो अपन बहुत कर चुके हैं। तो 25 और 25 50 बराबर 50, इसका मतलब यहाँ क्या अप्लाई होता है, ये देखो ये तो कहता है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन जब ये इसको फॉलो कर देता है तो ये हो जाता है इसका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से ठीक है, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि क्योंकि देखो किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है। हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है इति सिद्धम, ये हमें प्रूव कराना था जो कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।